पच्चीस दे रखी है, इसकी एवरेज भी बढ़िया है, डीजल एवरेज। अच्छा इसमें बाकी थ्रेसर में ये है काम ज्यादा पसंद को नहीं आया हमारे। अच्छा अच्छा और राम राम किसान भाइयों, स्वागत से थारा हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज आ रहे हैं हम गांव दूधवा में और हमने यो सोनालिका 745 साल तक देखा ट्रैक्टर। तो हमने क्यों ना आप खातर जो हमारे किसान भाई हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ बता दें, जो भाई का जो एक्सपीरियंस है इनसे बात कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ट्रैक्टर देखा है कि कितना, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर है सोनालिका 750। तो ये इसके जो ओनर हैं उससे बात करवाऊँ आपकी। तो पहले ये आपने ये ट्रैक्टर दिखा दिया, तो यो इसे ट्रैक्टर का ओनर है। राम राम भाई। राम राम भाई, क्या नाम है अपना? अंकिता नाम। अच्छा, थोड़ा परिचय और दे दो, कितका हो भाई तुम्हें? भाई दूधवा का। अच्छा, जिला चरखी दादरी। तो मैंने ये भाई देखा कि भाई ये जो कल्टीवेटर मारने लग रहा था, तो मैं चाहे क्यों ना पांच चार बात पूछ लें जो हमारे किसान भाई हैं, यो इसका कितना क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रैक्टर के बारे में, और कुछ ना कुछ हमने भी नॉलेज मिला है इन ट्रैक्टरों के बारे में पूछ के। ये जो इंजीनियर हैं वे इतने अच्छे तरह से ना बताते, जो हमारे किसान भाई हैं इन ट्रैक्टर यूज करें उससे बढ़िया कोई ना बता सके भाई मेरे ख्याल से। तो भाई साहब इस ट्रैक्टर ने लिया कितना दिन हो गया आपने? यो भाई चौथा पांचवा महीना लियो छो, चौथा पांचवा महीना 2022 में। अच्छा अच्छा, एक साल हो गया। तो भाई हैं हाँ। तो उस टाइम पे इसकी कीमत कितनी थी भाई? इसकी भाई 640 कीमत थी। अच्छा 640 कीमत थी हाँ। तो ये तो भाई साहब मेरे ख्याल से थोड़ा रेट बढ़ भी गया होगा। हाँ, ये तो 700 का करीब जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊपर 725 बोले ही तो। अच्छा भाई, तो एक बार हमारे जो किसान भाई हैं उनने एक बार ट्रैक्टर के बारे में और बता दे भाई, एक बार नीचे आ जाओ ट्रैक्टर पर। तो जो ट्रैक्टर आपने लिया है इससे पहले आपका कौन सा ट्रैक्टर था? इसकी पहली भाई मेसी 241 थो। अच्छा, एस्कॉर्ट भी थो। तो ये जो आप ये जो ट्रैक्टर लिया है यो कितना एचपी का है? यो भाई 50 HP का ट्रैक्टर है। हाँ तो भाई साहब कितना किला खेती करा करो इस ट्रैक्टर पे? भाई करा 14-15 किला खेती। तो किसान साथियों आपने पता ये तो बहुत युवा किसान, कितने साल उम्र होगी भाई तेरी? मेरी भाई 19 साल होगी। तो देख ले भाई, भाई पढ़े भी है और साथ साथ खेती भी करे है। तो भाई मान ले इतना HP कैटेगरी में भाई 6.5 लाख रुपया का दूसरी कंपनियां का भी ट्रैक्टर आया है, फिर वह कौन लेने की सोची तने? भाई पसंद आया थी भाई, देख स्वराज के ट्रैक्टर हैं, महिंद्रा के भी हैं, इसमें इसी के खास बात से जो भाई मान ले तने यो अच्छा लगा ट्रैक्टर है? इसमें भाई कई चीजें रखी, इसकी एवरेज भी बढ़िया है डीजल एवरेज। अच्छा, इसमें गियर भी अलग एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो ट्रैक्टर थी। अच्छा अच्छा, 16+4 आई थी इसमें। हाँ मतलब की तीन कैटेगरी में ABC होगा जो हाई लो मीडियम। हाँ हाँ, ये आया हाई लो मीडियम नहीं, इसमें 4 गियर 1 गियर की 4 चाल है, जो फार्म ट्रक 60 में गियर बक्सो 80-20। अच्छा, वो गियर बक्सो दे रहे हैं। अच्छा, और इसकी डीजल एवरेज भी बढ़िया है और बढ़िया खिंचाई करा है। तो भाई इसे जो आप कल्टीवेटर यूज करो इसके अलावा आप किस किस में चलाया करो भाई? हाँ भाई रूटावेटर में भी चल रहा है, रोम भी, सुपर सीडर में भी, बोलो बहुत ही दम चल रहा है। आप थ्रेसर वगैरह भी चलाओगे? थ्रेसर में भाई चला के देखा था एक बार, बाकी थ्रेसर में ये है काम ज्यादा पसंद को नहीं आया हमारे। अच्छा अच्छा, और यार एक चीज में कामयाब है ट्रैक्टर, ट्रेली वगैरह में भी काम करोगे? हां ट्रेली वगैरह में जिस तरह चलाई देखो है एवरेज बढ़िया है और खिंचाई भी बहुत तगड़ी है। तो भाई जो आपने कंपनी के साथ साथ जो जो सामान आया था उसका अलावा कुछ लगवाया है इसमें? नहीं भाई उसका अलावा कोई नहीं, टायर बदलवाया था रेडियल
और कुछ कौन हाँ भाई ये टायर थोड़ा डिफरेंट ट्रैक लगा है भाई, किसान साथी देख सको रेडियल टायर है भाई है 14 928 के रेडियल टायर डलवाए भाई। भाई कोई खास रीजन आपने ये जो रेडियल जो सिंपल ट्रैक्टर के साथ आया? मैं खासियत तो ये है जिस तरह यो टायर स्लिप को नहीं मारा है, सात दो टायर स्लिप मारने लगा है, जैसे जिस तरह कल्टीवेटर हम बाह तो स्लिप मारने लगा है, इन टायर हम स्लिप कौन मारे मतलब आप कैसे खेत में ग्रिप बढ़िया करे पकड़ बढ़िया करे है, इस टायर की थोड़ी चौड़ाई फालतू है तो उसकी वजह से ज्यादा सरफेस ले है तो उसमें स्लिप कौन मारे भाई के बहुत युवा है। बाकी इस ट्रैक्टर के बारे में बहुत नॉलेज है हमने भाई, बात करते है मेरा पार्ट जो है तो भाई साहब इससे पहले आपका जो ट्रैक्टर थे उनमें एक कमी लगी आगे आपने यो लिया फिर उनमें भाई कमी तो कुछ कौन थी, कौन कौन से ट्रैक्टर थे एक बार फिर बता दो दर्शक ने। एस्कॉर्ट तो 340 है। अच्छा जी। मेसी 241 थो। अच्छा जी। एस्कॉर्ट तो थोड़ो ओल्ड मॉडल हो गए थो, पुरानो ज्यादा थो। अच्छा। और मेसी भाई थोड़ी ट्रेली में रही वहां दिक्कत आवे थी जिस वजह से आपने दाब माने थो उक्का काम में। अच्छा जी। उसको हो जाए नीचो तो वो थोड़ा दाब माने थो उक्को काम जो भी हो उसमें उस कारण भेजना पड़ेगा भाई है। जो भाई ट्रैक्टर लेना चाहे हैं तो इनके बारे में कोई और खास बात बताओ कि भाई वो इसे ट्रैक्टर ना खरीद रहे। भाई खास बात तो ये है इसकी किसान खातर है सबसे ज्यादा तेल। सही बात है भाई आपकी बात याद जायज बात इसकी भाई डीजल एवरेज हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया आ रही है, रूटावेटर में चला लिया 5.5-6 लीटर तेल का है, मतलब बढ़िया से बढ़िया रूटावेटर लगा तो। और भवाई में जो ये एरो वगैरह में कितना किलो तो भाई 3 लीटर 1 किला का 3 लीटर ज्यादा से ज्यादा ले, इससे ज्यादा तेल नहीं ले। और मतलब कि भाई देख माटी का भी फर्क होगा जो टाइट माटी और भाई जैसे कि गिल्ली मिट्टी का फर्क होता होगा थोड़ा बहुत, तो मिट्टी का साथ नहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तेल ले ले बाकी 3 से ऊपर कौन ले। तो आप मतलब कि जो ट्रैक्टर से बिल्कुल संतुष्ट हो भाई? हां बिल्कुल संतुष्ट। तो देख लो बहुत युवा किसान है और भाई हम आपसे भाई बात करते बहुत अच्छा लगे भाई, और एक बार ट्रैक्टर ना स्टार्ट करके दिखा दो भाई ठीक है। तो किसान भाइयों ये आवाज सुन लो इस ट्रैक्टर की, बॉस का इनलाइन पंप दिया गया है, 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर है। चलो भाई टाइम देने खातिर बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ओके भाई तो किसान साथियों यह वीडियो किसी की लगी कमेंट में बता दिया करो भाई ठीक है, और सजेशन कर दिया करो कि आने वाली वीडियो किस ट्रैक्टर पर बनाई जा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो हमारी आवे उसमें आप जल्दी जल्दी देख सको, और वीडियो देखने का तरह आपका भाई धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।